टीके डॉक्टर टीके दत्ता साहब, मूर्ति साहब और स्वामी जी और मेरे बहुत सारे साइंटिस्ट स्कॉलर्स और हमारे बालक बालिकाएं जो रूरल विद्यार्थी बालक और बालिकाएं और स्पेशली आई वेलकम टू ऑल्सो माई एब्रॉड डेलीगेट्स दैट रियली वी विल बी बेनिफिटेड फ्रॉम देयर रिच एक्सपीरियंस एंड देयर न्यू इनोवेशंस इन दैट आई ऑल्सो अगेन एक्सटेंड माई वेलकम एंड थैंक्स टू माई एब्रॉड डेलीगेट्स ऑल्सो। मेरे चूंकि आपको बता दिया है हमारा विज्ञान भारती राजस्थान और MNIT के दोनों के सहयोग से व्यक्ति चंद्रशेखर जी वेंकट रमन साहब उन्होंने विश्व को भी दिखाया कि हम भारत की संस्कृति उनके अंदर मानव मूल्यों की कहीं अहमता नहीं रही हो लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति पर हमें गर्व और कि हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण को प्रारंभ से रखते हैं लेकिन साथ में यह है कि उसके साथ में भारतीय संस्कृति टेक्नोलॉजी किसी भी तरह की हो हम इनोवेशन करें लेकिन उसके साथ में किसी भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण और टेक्नोलॉजी के दो पार्ट होते हैं। एक पॉजिटिव अब है लेकिन जरूरत थी कि कुछ की आपाधापी के कारण एक भौतिकवाद के कारण हम टेक्नोलॉजी के साथ में उसका यूज तो हम एडवांस में बहुत सारे रिसर्च नए नए एक्सपीरियंस उस वर्कशॉप के माध्यम से हम लाभान्वित होंगे और आज हमें ये फख्र होना चाहिए कि भारत के प्रधानमंत्री मानव स्वार्थ के कारण उसका डाइवर्जन कर दिया उसको हमारे स्वदेशी विज्ञान से जोड़ते हुए नैतिक मूल्यों को और देश के अंदर प्राकृतिक साधन बाहुल्यता में है। हमारी प्रकृति ने इस देश के अंदर हर तरह का हम साथ में मानव कल्याण का उसके अंदर फुट हो उसी को हमारा आज भारत का साइंस और टेक्नोलॉजी मंत्रालय इंटरनेशनल लेवल के फैकल्टीज को बुलेट्स हैं सारे MP इसको कहा है कि वो भी अपने वहाँ पर भेजे उनका आयोजन पिछले दिनों हुआ आज ये भी उसी सूत्रधार है और मुझे उम्मीद है कि राजस्थान की जमीन के अंदर रूरल बेस से आए हुए हमारे छात्र और
तो विज्ञान भारती द्वारा जो आयोजन किया जा रहा है मुख्यतः ये विद्यार्थियों को ही फोकस करके किया गया है। हमने देखा है कि जो विद्यार्थी ग्राउंड में रह रहे हैं उनको टेक्नोलॉजी का ज्ञान हो, ऐसी उद्देश्य के साथ में ही हमने 200 विधानसभा क्षेत्रों से 5-5 विद्यार्थियों को और वो भी सरकारी विद्यालयों को उनको बुलाया। हम ये मानते हैं कि 200 ग्रामीण जो हमारी विधानसभा क्षेत्र हैं उनमें टोटल 1000 विद्यार्थी हमारा यहाँ आएगा। उसके अलावा लोकल जयपुर के जितने भी हमारे CBSE और RBSE के स्कूल हैं उनको भी हमने इन्वाइट किया है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि करीब हमारा जितना जो फुटफॉल होना है वो करीब 1 लाख से ऊपर का होना है। हमने वर्किंग नॉन वर्किंग मॉडल्स को लगाया है। इसके अलावा हमने सभी जो तीनों दिन के सेशन हैं वो इसी तरह केंद्रित रखे हैं कि ग्राम का विकास कैसे हो, गांव के बच्चों के लिए क्या आवश्यकता है, उनकी रिवर्स नॉलेज के आधार पर ही या 2 दिन की वर्कशॉप रखी गई है उनके लिए और 3rd दिन उनके द्वारा प्रेजेंटेशन किया जाएगा जिससे विद्यार्थी सीधे सीधे गांव से जुड़ेगा और गांव के विकास के बारे में वो अपने हिसाब से परिकल्पना बनाएगा और वो सोचेगा कि गांव का विकास किस तरह होना चाहिए और जो सरकार की स्कीम है उनका क्यों नहीं इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। इसी विधा को समझाने के लिए हमने सभी ग्रामीण जनों को बुलाया है। अपना नाम और डिटेल। डॉक्टर मेघेंद्र शर्मा, सचिव विज्ञान भारती राजस्थान। बोलने का जी हाँ, विज्ञान भारती एक ऐसा प्रकल्प है जो अभी यहाँ पर काम कर रहा है, राजस्थान में भी शुरू हुआ है, ऑल ओवर इंडिया तो कर ही रहा है, जिसमें यंग जनरेशन को हमारी जो प्राचीन सभ्यता में आर्यभट्ट और सभी लोगों ने इतने बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने जो रिसर्च की जो कहीं ना कहीं हमारे सिलेबस से हटती जा रही है उनको दोबारा जिंदा करना 3 दिवसीय कार्यशाला है। दिस इज़ वेरी पॉजिटिव। इसमें काफ़ी सारे बच्चों को बुलाया गया है, उनके खुद के एक्सटेम्पोज, उनके खुद के एक्सपेरिमेंट्स इन सब लिए जा रहे हैं और बच्चों को साइंस के साथ में एक जीवन शैली में रेगुलर बेसिस पे कनेक्ट करने का और खुद के इनोवेटिव आइडियाज़ को समझने का और सोशल मीडिया में ही नहीं खोने का, अपने अंदर के जो इनोवेटिव आइडियाज़ हैं उनको बाहर निकालने का प्रयास है, जिसमें कि हमारी ऐतिहासिक जो चीज़ें काफ़ी सारी हैं, हमारे भारत का इतिहास और हमारे इतिहास में विज्ञान बहुत प्रायोरिटी पे था और बहुत सारी खोजें बहुत पहले ही हो चुकी थी, जिन सबको आज के बच्चों के सामने लाकर उसे जोड़ना और उसे आगे बढ़ाना, ये इसका मेन मोटिव है।